प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार फिर बनती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार होंगे। एमपी बीजेपी में शिवराज सिंह से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। सीएम शिवराज होंगे तो उनके कैबिनेट में भारी भरकम मंत्रालय के कई लोग दावेदारी करेंगे। दिमनी से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ा महकमा मिल सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मलाईदार पोस्ट बड़े दावेदार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मलाईदार पोस्ट के बड़े दावेदार हैं। कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ से बीजेपी का बड़ा चेहरा है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी राज्य की राजनीति में लौटते हैं तो उन्हें भी बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। फग्गन सिंह कुलस्ते पार्टी के पुराने नेता है और पार्टी के सबसे बड़े आदिवासी चेहरा है। दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से गृह मंत्रालय लेना चाहेंगे। उन्हें गृह मंत्रालय चलाने का अच्छा अनुभव भी है। अमित शाह की को टीम के सदस्य और शिवराज सरकार में दूसरे नंबर के नेता है नरोत्तम मिश्रा। सरकार में संकट मोचक की छवि है। बुंदेलखंड से आने वाले भूपेंद्र सिंह चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से मंत्री बनना चाहेंगे। बुंदेलखंड के इस कद्दावर नेता को सीएम शिवराज का सबसे अधिक भरोसेमंद नेता माना जाता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ये भी अगर प्रदेश की राजनीति में रहना चाहेंगे तो शिवराज कैबिनेट में बड़ा मंत्रालय की मांग करेंगे। बता दें एक बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए और सीएम के लिए भी इनका नाम चला था। गोपाल भार्गव बुंदेलखंड से ही बीजेपी का एक और बड़ा नाम, ये भी बड़ा पद चाहेंगे। गोपाल भार्गव 2018 में नेता प्रतिपक्ष थे, संघ में इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। जबलपुर से सांसद और पश्चिम से चुनाव लड़ रहे राकेश सिंह भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। शिवराज सरकार इन्हें भी अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहेगी। राकेश सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, महाकौशल में पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उदय प्रताप सिंह भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। उदय प्रताप सिंह की संघ और संगठन पर मजबूत पकड़ है, विकास करने वाले नेता की छवि है इनकी। रीवा से आने वाले और विंध्य का सबसे बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ला भी मंत्री बन सकते हैं। राजेंद्र शुक्ला सीएम शिवराज के बेहद करीबी माने जाते हैं। पूरे विंध्य क्षेत्र में राजेंद्र शुक्ल की पकड़ है। भोपाल के नरेला से चुनाव लड़ने वाले विश्वास सारंग चुनाव जीतते हैं तो फिर मंत्री बन सकते हैं। राजधानी भोपाल का बड़ा चेहरा है विश्वास सारंग, संघ और संगठन पर सारंग की अच्छी पकड़ है। इंदौर के सांवेर से चुनाव लड़ने वाले तुलसी सिलावट फिर से मंत्री बन सकते हैं। तुलसी सिलावट सिंधिया के सबसे करीबी नेताओं में से एक है। सिलावट की छवि जमीनी नेता की है। चुनाव जीतने पर जयंत मलैया भी मंत्री बन सकते हैं। दमोह से आने वाले जयंत मलैया को बड़ा विभाग चलाने का पूरा अनुभव है, सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी पसंद है। सागर के सुर्खी सीट से चुनाव लड़ने वाले गोविंद सिंह राजपूत भी मंत्री बन सकते हैं। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के गुट के पसंदीदा चेहरा है। लाल सिंह आर्य भी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। लाल सिंह आर्य एमपी में बीजेपी का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से भी मंत्री बन सकते हैं लाल सिंह आर्य। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि अगर शिवराज की सरकार फिर से बनती है तो इन बड़े चेहरों को सरकार में शामिल करने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास सरकार से लेकर संगठन तक का लंबा अनुभव है। बीजेपी में तो सबसे पहला सवाल मुख्यमंत्री का ही आएगा, क्योंकि जब चेहरा घोषित नहीं किया है तो पार्टी शिवराज सिंह चौहान को जारी रखना चाहती है आगे, या फिर कोई नया चेहरा आएगा। यदि नया चेहरा आता है तो बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के साथ आएंगे तो वो जीतने वाले जो पुराने कैंडिडेट हैं, गोपाल भार्गव हैं, जयंत मलैया हैं, और यदि केंद्रीय मंत्री जीतते हैं तो आप ये मानिए कि नरेंद्र सिंह तोमर भी बनेंगे, प्रहलाद पटेल भी बनेंगे, कैलाश विजयवर्गीय भी बनेंगे, ऐसे जितने भी हैं फग्गन सिंह प्लस थे ट्राइबल फेस हैं, रीति पाठक महिला कोटे से बन सकती हैं। तो ये उन पर निर्भर करता है कि जिन सांसदों को लड़ाया गया है वो
उनको जो है जीत मिलती है तो वो मंत्री बनेंगे, राकेश सिंह भी बनेंगे क्योंकि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। जब ये इतने बड़े चेहरे जब मंत्री बनेंगे तो छोटे चेहरे जो दूसरी तीसरी बार के एमएलए हैं उनकी संभावनाएं कम हो जाएंगी। फिर बात आती है भारतीय जनता पार्टी में कि सिंधिया समर्थक कितने जीतते हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो अभी मंत्रिमंडल में हैं राजवर्धन सिंह तत्ती गांव से लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर तक, इन सबको कहीं ना कहीं जो है समायोजित तो पार्टी करेगी, और अभी मंत्री रहे हैं तो उन्हें मंत्री के पद पर आगे जारी रखा जाएगा। तो जो मंत्रिमंडल है भारतीय जनता पार्टी का, ये सांसदों और सिंधिया समर्थकों के बीच विभाजित हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो विधानसभा चुनाव 2023 में अपने बहुत ही कद्दावर स्टालवर्ट लीडर को चुनाव मैदान में उतारा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अपना फीडबैक मिला होगा सर्वे के आधार पर कि वो चुनाव जीत सकते हैं। अब चुनाव जीतने के बाद जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके समक्ष एक और थोड़ी सी कानूनी जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि यदि वो दो जगह मंत्री रहते तो एक जगह उनको त्यागपत्र देना होगा, जैसे कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ये तीन ऐसे नेता हैं जो कि सेंट्रल में मिनिस्टर, और यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उनको एक साथ दो पद नहीं संभाल सकते, कहीं एक जगह से आपको त्यागपत्र देना होगा। तो जहां तक त्यागपत्र की बात है तो स्टेट तो बहुत छोटा है, सेंट्रल बहुत बड़ा होता है, और दोनों ये तीनों सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। उधर शिवराज सरकार में मौजूद कई मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है। इनके नाम है महेंद्र सिंह चौहान, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सखलेचा, हरदीप सिंह डंग, बिसाहूलाल सिंह, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, इंदर सिंह परमार और रामकिशोर कांवेर का पत्ता कट सकता है। इस बार के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने बैटिंग की उससे पार्टी को लग रहा है कि उसकी सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बन सकती है। प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ उसके कैप्टन होंगे। कमलनाथ अपनी टीम में अनुभवी और जानकार लोगों को अपनी टीम में जगह देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में कांग्रेस में भी कई दिग्गज है जो सरकार में मलाईदार विभाग चाहेंगे। मौजूदा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर नेता गोविंद सिंह को कांग्रेस सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लहार से सात बार के विधायक और सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस का ग्वालियर चंबल में सबसे बड़े नेता है गोविंद सिंह। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार में अजय सिंह को भी बड़ा पद मिल सकता है। विंध्य संभाग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं अजय सिंह। दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह पिछला चुनाव हारने की वजह से मंत्री नहीं बन पाए थे। कमलनाथ की सरकार में मुकेश नायक भी मंत्री बन सकते हैं। मुकेश नायक बुंदेलखंड में कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है जो दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली दरबार में मुकेश नायक की अच्छी पकड़ है। लाखन सिंह यादव भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री बन सकते हैं। लाखन सिंह यादव ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का बड़ा ओबीसी चेहरा है। इनकी गिनती जमीनी नेताओं में होती है। पिछली बार कमलनाथ सरकार में मंत्री सचिन यादव एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। सचिन यादव निमाड़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष यादव के बेटे हैं। पिता की विरासत को सचिन यादव ने बखूबी संभाला है। जबलपुर से आने वाले तरुण भनोट को भी कमलनाथ सरकार में बड़ा पद मिल सकता है। तरुण भनोट को कमलनाथ का करीबी नेता माना जाता है। पिछली बार कमलनाथ की सरकार में गृह मंत्री रहे बाला बच्चन को इस बार भी बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। बाला बच्चन निमाड़ इलाके में कांग्रेस का आदिवासी चेहरा है। कमलनाथ के गुडबुक में है बाला बच्चन। कांग्रेस की सरकार बनती है तो उमंग सिंघार फिर से मंत्री बन सकते हैं। उमंग सिंघार आदिवासियों के उभरते हुए नेता है। आदिवासी वोटरों पर इनकी अच्छी पकड़ है और दिल्ली का आशीर्वाद इनके ऊपर हमेशा से रहा है। हनी बघेल भी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। हनी बघेल दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक हैं। धार के आदिवासियों पर हनी बघेल की अच्छी पकड़ है। पिछली सरकार में ये मंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ की सरकार में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह इस बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और युवाओं में अच्छी पकड़ रखने वाले जयवर्धन सिंह का कांग्रेस सरकार में मंत्री बनना तय है। प्रियव्रत
सिंह एक बार फिर से कमलनाथ सरकार में अहम पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के साथ प्रियव्रत सिंह के अच्छे संबंध है, जिसकी वजह से इनका मंत्री बनना लगभग तय है। सज्जन सिंह भी कमलनाथ सरकार में मंत्री बन सकते हैं। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस में बड़ा दलित चेहरा है और वे कमलनाथ के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। विजय लक्ष्मी साधौ भी कमलनाथ सरकार में मंत्री बन सकती है। विजय लक्ष्मी साधौ निमाड़ में कांग्रेस से दलित वर्ग की एकमात्र नेता है। महिला कोटे से विजय लक्ष्मी साधौ को मंत्री बनाया जा सकता है। माँ कौशल से आदिवासियों के बड़े नेता ओमकार सिंह मरकाम भी मंत्री बन सकते हैं। ओमकार सिंह मरकाम सीधे राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। वे एमपी के एकमात्र नेता जो कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य हैं। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। राजेंद्र सिंह विंध्य संभाग में कमलनाथ के सबसे विश्वसनीय नेताओं में सबसे ऊपर माने जाते हैं। कमलेश्वर पटेल भी कमलनाथ सरकार में मंत्री बन सकते हैं। कमलेश्वर पटेल विंध्य में कांग्रेस के बड़े ओबीसी लीडर हैं। इनका दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से सीधा संपर्क है। दिलीप गुर्जर को भी कमलनाथ अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं। गुर्जर समाज में दिलीप गुर्जर का अच्छा प्रभाव है। आरिफ मसूद को मुस्लिम कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। आरिफ मसूद की मुस्लिम समाज में अच्छी लोकप्रियता है। रामनिवास रावत भी कांग्रेस सरकार में मंत्री बन सकते हैं। सिंधिया के कट्टर समर्थक होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ने का फायदा इन्हें मिल सकता है। केपी सिंह दिग्विजय सिंह के करीबी नेताओं में से केपी सिंह को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली बार कमलनाथ सरकार में मंत्री केपी सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार मंत्री बनने की पूरी संभावना है। जीतू पटवारी कमलनाथ सरकार में बड़ा मंत्री पद संभाल सकते हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस के उभरते हुए युवा लीडर है। जीतू पटवारी का खाती समाज पर एक अच्छा खासा प्रभाव है। वो राहुल गांधी के भी करीबी है। लखन धनघोरिया कमलनाथ के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। दलित वर्ग से आने वाले लखन धनघोरिया को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 2018 के जो लोग चुनाव जीतते हैं तो सामान्यतः वही रहेंगे, क्योंकि जो कमलनाथ जी ने उनको देखा है, कमलनाथ जी के लिए वो कंफर्टेबल हैं। और वैसे भी आप देखिए ना कि कांग्रेस की राजनीति 2018 से 23 तक बहुत बदल गई है। जो टिकट दिए कमलनाथ जी ने अपने जो पसंद के लोग थे उनको टिकट दिए, उसमें कुछ ऐसे भी हुए ना जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। दीपक जोशी हैं, भंवर सिंह शेखावत हैं, बालाघाट में भी पूर्व सांसद छोड़कर आए हैं। तो इन सबको भी कोई कमिटमेंट के साथ कमलनाथ जी ने यदि बुलाया होगा और चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस की सीटें बढ़वाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी वो जगह देने की कोशिश करेंगे।